अग्निजा के YouTube चैनल पे रउआ लोगन के स्वागत बा। हमनी के करत रही जा SSC GD वाला प्रीवियस ईयर पेपर जवन पेपरवा 2019 में 11 फरवरी शिफ्ट 2 में भइल रहे। तो चली जा अब 55 नंबर सवाल तक पिछला वीडियो में हो गई रहे, दूसरा पाठ है तो हो सकला कि ये वीडियो में पूरा खत्म हम कर दी मैथ्स के क्वेश्चन वा इस शिफ्ट आगे। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे बोला है रोहित जो है 22 घंटा में 1188 जैसा कि बोला है चलता है 1188 किलोमीटर। अब आपसे बोला है कि स्पीड जो है रोहित का कितना है, तो आप कटा दीजिए 11 से दो बार में, 11 से एक बार में, फिर 8 नहीं कटेगा तो 0 उतरेगा नहीं जाने के लिए, फिर 8 उतरेगा, 8 के साथ 8 उतरा तो 88 बन जाएगा, मन में गुना भाग कर रहे हैं तो फिर 108 इधर आ गया। अब एक घंटा में कितना चलेगा, 54 किलोमीटर। सवाल में केवल ये पूछा होता कि प्रति घंटा स्पीड कितना है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा हो जाता है आंसर। लेकिन चूंकि इन्होंने दिया है मीटर प्रति सेकंड में सारा, तो आपको 54 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं लगा देना भाई, यहाँ भी देखो मीटर प्रति सेकंड में देख के भुलवाया है कि आप मार दीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे आपको मीटर प्रति सेकंड में गुना करना होता है निकालने के लिए 5/18 से। तो देखेंगे आप तीन बार में कटा ही दीजिएगा, 18 54 और 3 से ऊपर गुना होके तो 15 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। बोला है एवरेज वेट जो है 24 लोगों का बढ़ जाता है, और यहाँ पे लास्ट में दिया है कि लास्ट वाला लाइन अगर हम पढ़ने से देख रहे हैं तो 24 लोगों का पहले 30 केजी वेट था, अब चूंकि मास्टर भी उसमें शामिल हो गए तो 25 हो जाएगा। काहे कि एक लोग आदमी बढ़ गया ना, एक आदमी बढ़ गया तो 24 लोग पहले थे, 25 लोग हो गए। आ एवरेज जो है बोला है 2 से बढ़ जाता है, यानी कि पहले अगर 30 था तो अब 2 बढ़ जाएगा तो 32 हो जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है तो हम लिख दिए, यहाँ इधर क्या प्लस 1 हो रहा है। तो इस सवाल को करने का यही सबसे हमको लगता है आपके लिए बेस्ट तरीका होगा। हालांकि और भी कई सारे तरीके हैं जिनमें आपको पेपर भी नहीं उठाना होगा, पेन पेपर भी नहीं उठाना होगा। तो चलिए इसको हम ऐसे ही बना के दिखा देते हैं आपको। तो देखिए 32 में 1 से गुणा होगा, 32 में जो है 1 से गुणा होगा, और ई जो है 24 में 2 से गुणा होगा। ई बड़ा थोड़ा सा कट गया, लंबा लाइन जो है खींच गया। हाँ ई जो है हम कह रहे थे 32 में इससे गुना होगा, 24 में उससे गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 48, और 48 इधर क्या है 32 से कम 32, तो 48 और 32 को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम लोग माइनस लिखते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऊपर उल्टा लिख दे कोई बच्चा कि 25 ऊपर लिख देता और 24 नीचे, तो 25 से 24 आने पे -1 होता, तो यहाँ पे हम लोग -1 लिखते। ध्यान देना होता है यहाँ भी -2 हो जाता, क्या कि 32 से 30 पे आते तो -2 हो जाता, और उसी हिसाब से उसको जोड़ते। फिर आगे चलते हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इतना एंड व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। बोला है लॉस परसेंटेज कितना होगा अगर आर्टिकल को इतना में हम बेच रहे हैं तब। तो देखिए अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा मजबूत हो तो हम लोग इसको बिना जोड़ घटाव किए सीधा हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो कैसे लेते हैं, तब पहले देखिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना कितना है पहले देख लीजिए। सेलिंग प्राइस है भैया 1333, कॉस्ट प्राइस कितना है 2150। तो आप कटा लीजिए तो आपको अगर दिख रहा है तो 215 का सकल देख के हमको दिख रहा है कि 43 से कटता है पांच बार में, तो 43 से पांच बार में इसको हम कटा दिए, जीरो चिपका था जीरो चिपका दिए। अब देखिए 43 से तीन बार में ही कटेगा 129, चार बचा, कहे कि 133 में से 129 घटाएंगे तो चार बचेगा, आई तीन उतरेगा तो फिर हो जाएगा हमारा वहां पे 43, और 43 फिर एक बार में कट जाएगा तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एक उतर जाएगा। अब 31 रेशियो 50 है, यानी कि क्या है सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो है 50 और 31 है, यानी कि 31 और 50 है, तो 50 में से 31 घटाएंगे तो कितना होगा 19 होगा बताइए। कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, नीचे रखते हैं तो 50 नीचे रखेंगे, 100 से गुणा करेंगे आपका मन है तो कर दीजिए, 50 से दो बार में कट जाएगा 19 दूनी 38 हो जाएगा हमारा जो है
आंसर। ये समझ में आया कि नहीं बताइएगा जरा कमेंट में जरूर। आगे चलते हैं, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज बाई 15%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। कुछ नहीं करना होता है, ए बी फॉर्मूला लगाइए और जो है आंसर बताइए। तो देखिए 15% से इंक्रीज किया तो 15 + 15 + 15 × 15/100। ए बी फॉर्मूला जानते हैं, ऐसे होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अगर कहता कि 15% से एक बार बढ़ा दिए और 15% से एक बार घटा दिए, तो एक बार हमें यहाँ पे माइनस लेते हैं, यहाँ पे प्लस लेते हैं, ऐसे भी करते हैं। कहता दोनों बार अथी कहता तो 15% से हम खाली घटाए हैं, यहाँ पे अगर कहता कल को कि घटाए हैं तो -15 यहाँ पे, यहाँ पे -15, यहाँ पे भी जो है -15 × -15, हालांकि प्लस यहाँ पे निकल के आ ही जाता। तो देखिए 15 + 15 = 30, यहाँ पे 15 का स्क्वायर आपको पता अगर हो तो 225 होता है, नीचे 100 से भाग दिया गया है तो 2.25 होगा, तो 32.25 हमारा हो जाएगा फटाक से, बिना कलम चलाए इसको भी आप कर सकते थे। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो इस टाइप के, एक सेकेंड, ये सवाल थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो कहता है मोहित गोज टू हिज ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटर्न्स टू हिज होम एट द स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर। इफ एवरेज स्पीड ऑफ मोहित फॉर द होल जर्नी इज 12 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, जब दो दो स्पीड दिया हो तो 2xy/(x+y) एक फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड निकालने का, जो कि बहुत जल्दी निकल जाता है, टिक जैसा है, जहां पे एक्स और वाई जो है स्पीड है। तो देखिए 2 रखेंगे, यहाँ पे एक्स पता है तो 10 रख देंगे, वाई पता नहीं है तो वाई रख दिए, और एक्स प्लस वाई तो 10 + y हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ क्या रखेंगे, 12 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है, एवरेज स्पीड निकल के आया है, एवरेज स्पीड साफ बोल दिया है कि एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इज 12 मीटर पर सेकेंड, तो वही से हम यहाँ पे निकाल के रख दिए। अब देखिए कटाने लायक है तो कट जाएगा, तो देखिए 2 से 2 बार में कट गया, 2 से 3 बार में कटेगा 6, या 2 से करेगा 5 बार में क्या 10। तो अब इधर कटने लायक है नहीं, तो अब इधर ये वाला चीज जाता है, आपको पता है, तो यहां से 5y = हो जाएगा, जब गुणा होगा अंदर, काहे कि 3 इसके साथ गुणा आ जाएगा ना इधर जब जाएगा, तो समझ लीजिए इसको भाई 10 + y है इसे, या 3 इसके साथ अभी इधर है ही है तो गुणा होता है ना ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए ये 30 हो जाएगा, और प्लस का 3y हो जाएगा, समझ रहे हैं बात की नहीं। तो देखेंगे आप कि 10 जो है क्या यहाँ पे, हाँ ये 3y जो है इधर आके घटेगा तो 5 में से 3 घटेगा तो 2y हो जाएगा, और यहाँ पे 30 आ जाएगा तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, 15। y का वैल्यू 15 आ जाता, लेकिन क्या मीटर प्रति सेकेंड में आ जाता, ठीक है। तब तो मीटर प्रति सेकेंड में अगर आ जाता तो आपको पता है कि भाई किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना कितना आसान होता है, तो क्या करेंगे 18/5 से गुणा करेंगे, उल्टा होता है, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुणा होता है, आ इधर से इधर आने के लिए 5/18 से गुणा होता है, ध्यान रखेगा इसको। तो देखिए जब कटेगा इससे 5 से 3 बार में, तो 18 * 3 = 54 हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ यहाँ पे डाउट मत कीजिएगा, यहाँ पे हमने जो है इस क्वेश्चन में भी एक सी दिया है, तो आप एक सी मान लीजिए, हमने वाई को ले लिया है, आप वाई हटा के वहां पे 10 रख दीजिए, आ एक्स मान लीजिए, डायरेक्ट आपका एक्स निकल जाता, वाई से कंफ्यूजन हो रहा है, तो बात वही है, हमने वाई ले लिया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रेशियो बी दिया है 7 और 8, बी रेशियो सी दिया है कि भाई 7 और 9, तो ए बी सी का रेशियो निकाल के बताना है आपको। देखिए कुछ नहीं करना होता है, 3 गो का जब दिया हो तो ऐसे कीजिएगा हमेशा, जो कि बहुत आसान होता है, ऐसे आप बी रेशियो सी यहाँ पे 7 और 9 ऐसे दिया है तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है।
ध्यान देना होगा कि यहाँ बी है तो यहाँ भी बी है, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, माने दोनों ही चीज बा यहाँ पे है और यहाँ पे सेम होना चाहिए, तभी फटाक से निकल के आएगा ए बी सी का एक बार में। आ ई चीज जो है थोड़ा सा आसान पड़ता है तीन गो का निकालने के लिए हमेशा, नहीं तो बराबर कीजिएगा तो बड़ा अगर डाटा देगा तो दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे तो बराबर आप कर भी सकते हैं। तो देखिए इससे गुणा इससे होगा तो ए का आएगा, इससे गुणा इससे होगा तो बी का आएगा, इससे गुणा इससे होगा तो सी का आएगा। देखिए 7 7 49, 7 8 56, 49 56, 9 8 72, 49 56 और 72 कोई ऑप्शन में है तो उसी को मार के बस निकल जाइएगा। आगे चलते हैं भाई, कहता है रोहित मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई टू इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग द नंबर बाई टू, द रिजल्टेंट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू। कहता है कि रोहित जो है इतना बेवकूफ लड़का है कि उसको मल्टीप्लाई करने को बोला गया था 2 से, नहीं, सॉरी, डिवाइड करने को बोला गया था 2 से, आ वो इतना बेवकूफ था कि जो है मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं गुणा कर दिया, भाग देने को कहा गया 2 से, आ कर दिया गुणा। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है, आप इससे सवालों को पूछा है क्या चीज कि रिजल्टेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू, यानी जो आंसर आया है वो सही वाले वैल्यू का कितना परसेंटेज है ये पूछा है। तो कुछ नहीं करना होता है ऐसे सवालों, मान लीजिए कि हमको जो है जो नंबर था वो के था, ठीक है, के में जो है डिवाइड करना था यानी भाग देना था, तो इसे के बटा 2 लिख सकते हैं, ये सही वाला चीज है। आउ का किया है कि वो के में गुणा कर दिया है, ये गलत वाला चीज है। तो देखेंगे कि यही चीज पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द करेक्ट वैल्यू, तो रिजल्ट कितना है, ई है रिजल्ट है, यानी 2 2 के है, तो 2 के के बाई 2 का कितना परसेंट है ये हमको बताना है। अब 100 से गुणा भी होता है आपको परसेंट के लिए पता है, आ नीचे ही के बाई 2 यहाँ आ गया तो जो है ऊपर चला जाएगा, आ के से के कट जाएगा तो ये ऊपर जाके 2 2 4 बनेगा, आ 100 से गुणा होगा तो 400% हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए भाई, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करना है कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया, छुपे छुपे नहीं भागिएगा देख के। आगे चलते हैं, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। बोल रहा है कि भाई एगो स्क्वायर है, एगो स्क्वायर है, स्क्वायर ऐसे रहता है थोड़े ऐसे, हाँ स्क्वायर है, आएगो सर्कल है, और जो है इन लोग का जो एरिया है वो बराबर दे रखा है, और जो सर्कल का एरिया है, सॉरी पेरीमीटर बराबर दिया है भाई, पेरीमीटर बराबर दे रखा है, और जो सर्कल का एरिया है वो इतना है, आपसे पूछा है एरिया स्क्वायर का निकालिए। तो एरिया स्क्वायर का निकालने के लिए, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड के लिए कैसे पता करेंगे, तो भाई देखिए पाई आर स्क्वायर जो दिया है डाटा आपको उसी पे काम करना होता है। तो देखिए 1386 इसको लिख सकते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर, हमने मान लिया कि सर्कल का जो रेडियस था, सर्कल का जो रेडियस था वो आर था, तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, आईसी के बराबर हम यहाँ पे रख दिए। तो आप देखेंगे कि 11 2 22 कट जाएगा, 11 से कितना बार में 123 होता है, हाँ तो 11 से 12 बार में 132, 6 बचेगा 23 से 26, और फिर 2 बार में तो 63, तो आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7, ये समझ रहे हैं बात की नहीं, तो आर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 9 गुना 7, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 63 को हम तोड़ दिए 7 गुना 9 में, आई 7 ऐसे है, ये है। तो देखेंगे आप कि 7 निकल जाएगा जब रूट इधर आएगा, इसे रूट चढ़ेगा स्क्वायर से हटके ऐसे, तो 7 निकलेगा, काहे कि 2 गो है या 9 होता है 3, यानी कि जो रेडियस हमारा है वो कितना है, कितना है बताइए, 21 है, ठीक है, रेडियस 21 है। तो ये भी कह सकते हैं कि इसका जो क्या बोलते हैं जो पेरीमीटर है वो 132 रहा होगा, 132 कैसे रहा होगा वो अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।